नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, बैंक निफ्टी की जो फाइनल क्लोजिंग हमें मिली है वो मिली है 38,635 की हमें फाइनल क्लोजिंग मिली है, और ये कल की क्लोजिंग से लगभग हम 1,486 पॉइंट ऊपर जाके फ्राइडे की क्लोजिंग से हमने क्लोजिंग दी है। जो एडजस्टमेंट क्लोजिंग हुई है वो हुई है 38,635 पे हमें क्लोज मिला है। तो बैंक निफ्टी ने बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट यहाँ पे की है, और लास्ट वीडियो जो मैंने सैटरडे को वीडियो आप लोग के लिए डाली थी, मैंने वहाँ पर क्लियर कट बताया था कि बैंक निफ्टी ने यहाँ पर ब्रेकआउट दे दिया है। और कई दिनों से मैं आप लोग को बोल रहा था कि बैंक निफ्टी अगर 37,825 के ऊपर क्लोज करना स्टार्ट करेगा तो जो हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 38,000, और सेकेंड टारगेट मैंने यहाँ पे दिया था 39,125 का। कल की वीडियो में मैंने टारगेट दिया था, और कल की वीडियो मतलब जो सैटरडे को मैंने वीडियो डाली थी वहाँ पे क्लियर कट मैंने मेंशन किया था कि 38,000 और 39,125 हमारा टारगेट होगा, और ये इसी वीक में अचीव हो जाना चाहिए। देखिए होता क्या है ना, जब मार्केट कंसोलिडेट करता है और कंसोलिडेट के बाद ब्रेकआउट होता है ना, तो बहुत अच्छी मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे आगे के लिए फिर सेलर एक्टिव नहीं होता है, यहाँ पे ज़्यादातर बायर एक्टिव हो जाते हैं, और बायर जो सेलर होते हैं वो भी बायर हो जाते हैं, और एक जेन्युइन बाइंग करते हैं वो लोग भी यहां एक्टिव हो जाते हैं, और वहां से वो मार्केट अगले टारगेट की तरफ बढ़ जाता है। यहां पे क्या होगा, रेंज के अंदर में क्या होता है, रेंज के अंदर में होता है यहां पे बायर एक्टिव, यहां पे सेलर एक्टिव हो जाएगा, नीचे आएगा तो बायर एक्टिव हो जाएगा, तो यहां पे सेलर के लिए चांसेस होता है। यहां पे सेलर के लिए जैसे ही ब्रेकआउट होगा यहां पे सेलर भाग जाते हैं और बायर यहां पे फुल मोड में यहां पे आ जाते हैं। तो मैंने इसीलिए आप लोग को जो टारगेट दिया था 38,000, जो कि आज ही अचीव हो गया, आज हाई मारा बैंक निफ्टी ने 38,766 का, शायद इतने बैंक निफ्टी ने आज यहां पे हाई मारा, तो लगभग हमारा सेकेंड टारगेट के आसपास भी बैंक निफ्टी ने यहां पे अचीव कर दिया है बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी का नेक्स्ट टारगेट जो है वो रहेगा 39,500 का, लेकिन उसके लिए आपको एसएल मेंटेन करना पड़ेगा। देखिए स्ट्रॉन्ग एसएल लगा के रखिएगा, मैंने यहाँ पे ही आप लोग को बाइंग बताया था कि 37,800 पे आप बाइंग करके जाइए, स्टॉप लॉस आप 37,400 का एसएल लगा लीजिएगा। तो यहाँ से देखिए ऑलरेडी हमें 2000 पॉइंट की रैली यहाँ पे मिल चुकी है। अब यहाँ पे जो अगला रेजिस्टेंस है, सॉरी टारगेट नहीं, अगला जो रेजिस्टेंस हमारे लिए मिलेगा वो मिलेगा 39,500 के पास में हमें अगला जो रेजिस्टेंस मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर भी एक मल्टीपल रेजिस्टेंस देखा जाएगा, तो बैंक निफ्टी ने मल्टीपल रेजिस्टेंस यहाँ पे बनाया है, तो ये हमारे लिए अगला रेजिस्टेंस होगा डेली चार्ट पे। यहाँ पे शायद आपको सेलर एक्टिव होते हुए दिखेंगे, यानी 39,000 के पास में एक बहुत बड़ी रैली, यहाँ के ध्यान से देखेंगे तो हम रैली जो कर रहे हैं वो 36,200 के आसपास से हमने रैली की और 38,000 हम पहुँच गए। अभी भी हमारे पास यहाँ पे 700 से 800 पॉइंट की जगह है यहाँ पे बैंक निफ्टी में मूव करने के लिए, क्योंकि अगला रेजिस्टेंस हमारे पास 39,500 है। 39,500 को अगर हम ब्रेक करके क्लोज करते हैं, यानी 39,625 के ऊपर अगर हम क्लोज करते हैं, तो फिर बैंक निफ्टी यहां से आपको नया हाई मारते हुए दिख सकता है। अब चलिए 15 मिनट का चार्ट देखते हैं, और 15 मिनट के चार्ट पे हम बैंक निफ्टी को कल किस तरीके से ट्रेड करते हैं उसकी एनालिसिस करते हैं। आज देखिए ज़बरदस्त मूवमेंट मिली, ज़बरदस्त ट्रेड मैंने भी किया, मैंने अपनी ट्रेड की वीडियो लॉजिक आर्डर बुक ऑलरेडी अपने आर्ट ऑफ ट्रेडिंग वाले चैनल पर डाल दिया है, तो आप वहाँ पर जाके देख लीजिए। अगर आप हमारा प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं, प्रीमियम लर्निंग ग्रुप, जिसमें मैं बैंक निफ्टी के पोस्ट डालते रहता हूँ, स्टॉक्स के पोस्ट डालते रहता हूँ, जैसे आज कॉस्मो फिल्म डाला था, लगभग कॉस्मो फिल्म ने लगभग 250 पॉइंट का मूवमेंट वहाँ से दिया, लगभग 15-16% अब तक कॉस्मो मूवमेंट, 2-3 दिन पहले मैंने जुबलेंट फूड दिया हुआ था, तो ये सब सारी चीज़ें मैं अपने लर्निंग पोस्ट में डालते रहता हूँ। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के जरिए जाके आप जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक्स, रिलायंस ब्लू या फायर में से किसी एक के साथ डीमैट अकाउंट ओपन करके आप हमारा प्रीमियम लर्निंग ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसपे मैं बैंक निफ्टी ऑप्शन स्टॉक्स के कुछ पोस्ट अपने व्यू डालते रहता हूँ, जिसको आप देखिए समझिए और सीखते रहिए। यहाँ पे देखिए सुबह ओपनिंग के साथ ही बैंक निफ्टी काफ़ी ज़बरदस्त मूवमेंट करता है, उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन होता है, कूल डाउन होता है, क्योंकि ऑलरेडी इतनी बड़ी मूवमेंट के बाद में थोड़ा सा कूल यहाँ पे आना है, थोड़ा सा जो जिन्होंने बाइंग किया होगा वो प्रॉफिट बुक करेंगे, प्रॉफिट बुक करने के बाद मार्केट नीचे आता, तो ऐसी कंडीशन में ना जब मार्केट नीचे आता है तो जो लोग ये रैली मिस कर देते हैं, जैसे मार्केट आके कंसोलिडेट करने लगता है वो वापस वो लोग एंट्री करते हैं जो ये रैली मिस कर देते हैं, तो फिर वो लोग मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं और वापस मार्केट यहाँ पे 38 मार्केट ने कंसोलिडेट किया, और कंसोलिडेट के बाद मार्केट ने जैसे यहाँ पे 38,450 का लेवल ब्रेक किया, मार्केट ने 38,700 का लेवल यहाँ पे वापस दिखाया, और वापस यहाँ पे देखेंगे तो एक डबल टॉप की सिचुएशन यहाँ पे बन रही है। लेकिन यहाँ पे आपको अभी सेल नहीं करना है, वेट करना है। वेट क्या करना है कि अगर मार्केट कल इसी जोन में कहीं पे ओपन होता है, कल की कंडीशन यहाँ पे ध्यान दीजिए, मार्केट अगर हमारे रेजिस्टेंस लेवल, ये जो रेजिस्टेंस जो इंट्राडे का आज का रेजिस्टेंस बना है, इसी रेजिस्टेंस के आसपास कहीं पे, यानी 38,600 के आसपास कहीं पे ओपन होता है और यहाँ पे इस हाई को ये ब्रेक करता है, 38,700 के हाई को ये ब्रेक करता है, तो ब्रेक करने के बाद जो यहाँ पे टारगेट आपको निकल के आएंगे वो 38,900
39,125 और 39,330 ये टारगेट हमारे तीन टारगेट निकल के आएंगे बैंक निफ्टी में। अगर बैंक निफ्टी इसी जोन में कहीं पे या फ्लैट ओपनिंग करे, ओपनिंग के बाद में हमारे हाई को ब्रेक करता है, तो यहाँ पे एक अच्छी खासी मूवमेंट आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। इस कंडीशन में मैं क्या करूँगा, अगर ये इसी जोन पे आता है तो मैं यहाँ पे 38,900 की कॉल लेना मैं यहाँ पे पसंद करूँगा, और 39,000 की भी कॉल यहाँ पे ले सकते हैं। तो 38,900 और 39,000 की कॉल लेना मैं पसंद करूंगा, अगर ये 38,700 के लेवल को यहाँ पे बैंक निफ्टी ब्रेक करते हुए मिलता है तो हो सकता है मैं 38,800 की भी कॉल ले लूँ। तो यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि प्रीमियम किस तरह से यहाँ पे मूव हो रहे हैं। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पे अगर एक ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ करेंगे तो बैंक निफ्टी क्या कर रहा है, इस ट्रेंड लाइन के पास जब भी आ रहा ये एक सपोर्ट ले रहा है, तो सपोर्ट लेवल इसके लिए ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट लेवल है। तो बेस्ट सेलिंग का मूव आपको कहाँ, अब देखिए बैंक निफ्टी को हमें सेल कैसे करना है, सेल करने के लिए देखिए यहाँ से ध्यान से देखेंगे तो बैंक निफ्टी यहाँ पे एक ट्रायंगल पैटर्न यहाँ पे बना के चल रहा है। अगर जैसे कि मैंने बताया कि ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होता है तो हमें अच्छा मूव मिलेगा, लेकिन नीचे की तरफ अगर आप एग्रेसिव सेलर हैं तभी यहाँ पे सेल कीजिएगा। सेल हम तब करेंगे जब बैंक निफ्टी यहाँ पे 38,500 के लेवल को ब्रेक करेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा एक कैंडल यहाँ पे बनने के बाद, यानी ये पहली कैंडल, पहली 5 मिनट की कैंडल 38,500 के लेवल को ब्रेक नहीं करनी चाहिए, तभी हम इसको सेल करेंगे। सेकंड 5 मिनट की कैंडल अगर 38,500 के लेवल को ब्रेक करती है तो यहाँ पे टारगेट 38,350, 38,200 और उसके बाद हो सकता है तो बैंक निफ्टी 38,050 ये लेवल आपको दिखा सकता है, लेकिन ये एग्रेसिव जो सेलर हैं उनके लिए करना है। ध्यान रखना है कि जैसे ही बैंक निफ्टी अगर 38,500 के लेवल को ब्रेक करता है तो यहाँ पे आपको SLB 38,600 का लगा लेना पड़ेगा। जैसे आज की क्लोजिंग प्राइस के ऊपर ये ट्रेड करना लगेगा नीचे आने के बाद में, तो अपनी सेल की पोजिशन से हम यहाँ पर निकल जाएंगे। सबसे बेस्ट मूव होगा कि बैंक निफ्टी यहाँ पर ओपन हो और ओपन होने के बाद में ये 38,700 के लेवल को ब्रेक करे, तो यहाँ पर एक जबरदस्त मूवमेंट हमें बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकती है। अगर किसी कारणवश किसी कंडीशन वश बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है 38,000 के आसपास में, तो यहाँ पे पहली कैंडल पे नजर बना के रखिएगा। अगर पहली कैंडल हैमर कैंडल बनी तो इसी हैमर के हाई के ऊपर आप बाइंग कर सकते हैं, या पहली कैंडल अगर कोई इनसाइड कैंडल बनती है तो भी हम बैंक निफ्टी को यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि ये लेवल जो होगा वो एक स्ट्रांग सपोर्ट का काम करेगा। लेकिन ध्यान तभी रखना है कि जब कोई इनसाइड कैंडल बने या हैमर कैंडल बनेगी तभी हम इसको बाइंग करेंगे। अगर कोई प्राइस एक्शन के साथ में ये 38,000 का लेवल ब्रेक करता है तो सबसे पहले ये 37,600 के पास तक बैंक निफ्टी आ सकता है, लेकिन यहाँ पे हमें प्राइस एक्शन का इंतजार करना पड़ेगा। बहुत बड़ा गैप अप, शांति से बैठे रहिएगा, या ऊपर कोई अगर शूटिंग स्टार कैंडल मिल जाएगी तो हम इसको सेल करने की कोशिश करेंगे बैंक निफ्टी को। अगर ये 39,300 के आसपास अगर मिलता है, वहाँ पे कोई शूटिंग स्टार कैंडल बनती है तब, या अगर गैप अप ओपन होता है 300-400 पॉइंट और ये 39,000 के पास में भी अगर शूटिंग स्टार कैंडल बनाता है तो भी हम बैंक निफ्टी को वहाँ पे सेल कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आप हमारा प्रीमियम लर्निंग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक के जरिए जाके आप जीरोधा, एंजल ब्रोकिंग, अपस्टॉक्स, रिलायंस ब्लू, फायर या ICICI डायरेक्ट में किसी के साथ अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके आप हमारे फ्री लर्निंग ग्रुप से ज्वाइन हो सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।